ह्यूमन टीथ हमारे डे बाय डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ना सिर्फ हमारे खाने को च्यू करने में हेल्प करता है, बल्कि हमारे फेस को एक शेप भी देता है। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एंड लेटर भी हैं जिन्हें हम अपने बिना दांतों के तो बोल भी नहीं सकते, और अगर बोलने गए तो बहुत फनी लगेगा। यूजुअली कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के 32 पेयर्स ऑफ टीथ होते हैं और सिर्फ 28 परमानेंट टीथ होती हैं, और बाकी 4 टीथ जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, हम में से बहुत लोगों के लिए विजडम टीथ एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस को याद दिलाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ टीथ का काम क्या है, या अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो काम है भी या नहीं? क्या रीजन है कि हम होमो सेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स में जब विजडम टीथ आती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है? वेल, इस वीडियो में विजडम टीथ से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे। अगर आपको लगता है कि विजडम टीथ कोई बायोलॉजिकल एरर है तो ये बिल्कुल गलत है। इसका ग्रोथ का रीजन प्री हिस्टोरिक एरा में छुपा हुआ है। जब हमारे एंसेस्टर अर्ली फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन में थे तो उनका लाइफ बहुत ही वाइल्ड था। उनका मेनली डाइट रॉ मीट, नट्स एंड जमीन पे उगने वाले कुछ प्लांट्स हुआ करते थे। इन फूड्स को खाने के लिए बहुत ज्यादा टियरिंग एंड कटिंग का जरूरत होता था, और विजडम टीथ इस काम में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता था। आप खुद सोचिए, अगर आपको रॉ मीट खाना पड़े तो क्या आपके टीथ कैपेबल हैं उन च्यू देम प्रॉपरली? उन हार्ड फूड को खाते खाते ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमारे जीन्स रीअरेंज हुई और उन विजडम टीथ के लिए हमारे जॉ लाइन में स्पेस बनती गई। करीब 400,000 साल पहले जब ह्यूमन एवोल्यूशन तेजी से होने लगा तो हमारे ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगा। पहले के मुकाबले हमारा ब्रेन साइज अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। अगर आपको जानना है कि वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ब्रेन साइज, तो आप मेरी वीडियो डज ब्रेन साइज मैटर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ता गया, हमारे स्कल का भी साइज चेंज होता गया, जिसके वजह से हमारी जॉ लाइन छोटी होती गई। इसके वजह से हमारे विजडम टीथ के लिए ग्रो करने के लिए बहुत ही कम स्पेस होने लगा, क्योंकि विजडम ही टीथ हमारे पूरे हेड में सबसे लास्ट में ग्रो करता है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि हमारे वॉक करने के स्टाइल में चेंज होने के वजह से भी हमारे विजडम टीथ पर इफेक्ट पड़ा। पहले के लोगों को चलने के लिए 2 पैर लगता था और अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए दोनों हाथ का इस्तेमाल करते थे। पर जैसे जैसे हम इवॉल्व करते गए और सिविलाइज्ड होते गए, हमने अपने पूरे बॉडी को सिर्फ 2 पैरों पे बैलेंस करना सीख लिया और हाथों का इस्तेमाल दूसरों कामों में लगने लगा, जैसे कि कटिंग एंड कुकिंग द फूड। ग्रेजुअली द फूड बिकम सॉफ्टर एंड अब इतना ज्यादा च्यूइंग एंड टियरिंग नहीं करना पड़ता था। जैसे जैसे हमारा फूड इनटेक चेंज होता गया, हमारा बॉडी भी चेंज होता गया, बट द नंबर ऑफ टीथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो बस हमारे जॉ लाइन में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि उन एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ टीथ को फिट कर पाए। इसके वजह से जब भी विजडम टीथ ग्रो करता है, वो हमारे टीथ अलाइनमेंट से क्रैश करता है, और साइडवे में ग्रो होने के कारण वो हमारे टीथ में बहुत ज्यादा पेन करता है। बट क्या विजडम टीथ सब ह्यूमन में ग्रो करता है? लकीली कुछ सर्वे से पता चला है कि वर्ल्ड के 35 पॉपुलेशन विदाउट विजडम टीथ बॉर्न होती है। इसका मेन रीजन बताया गया है कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन हमारे बॉडी में कोई रैंडम म्यूटेशन हुआ एंड विजडम टीथ हमारे जीन से गायब हो गई। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ लोग बिना विजडम टीथ के भी बॉर्न होते हैं, पर बहुत लोगों को विजडम टीथ हटाने के लिए सर्जरी भी करवानी पड़ती है। कभी कभी विजडम टीथ थोड़ा सा ही ग्रो करता है, जिसके वजह से उसे डेंटल क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन, जलन और भी बाकी डेंटल प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है कि टाइम के साथ विजडम टीथ गायब होते जा रहा है हमारे जीन से, और फ्यूचर जनरेशन को इस पेनफुल एक्सपीरियंस से कभी नहीं जाना होगा। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हमारे जीन्स के म्यूटेशन पे ही डिपेंड करता है।